हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट वन होता है, यानी कि एलजेब्रा सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत, जो कि ऑलरेडी हमने की थी प्रीवियस वीक में ही, कब से चल रहा है हमारा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 9। दोस्तों, नौवां लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, क्योंकि दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर भी बहुत बड़ा है एंड नॉर्मली इसमें कुछ चीजें ऐसी है जिसको मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ा सकता। अगर मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, नॉर्मली आप फिर से कमेंट करोगे। तो इसके लिए मेरा जो टारगेट होता है, नॉर्मली जो मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है कि मैं बहुत आराम आराम से हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को लेता हूं, सबसे पहले उसको समझाता हूं, फिर उसके ऊपर से अलग से प्रैक्टिस सेट जो है उसको सॉल्व कराता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आ रहा होगा, एंड मुझे लगता भी है कि आप लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगता है आप लोग का रिस्पॉन्स देखे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले, जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4। जैसे कि पता है आपको दोस्तों कि इसके पहले हमारा जो लेक्चर नंबर 8 था उसमें हमने एक टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला मेथड। हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसका नाम था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये इसी की चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फॉर्मूला मेथड बोलते हैं। अब ये जो फॉर्मूला मेथड है इसी के बेस पर यह पर्टिकुलर एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग दो तरीके के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, आपके पास टेक्स्ट बुक जरूर से होगा, तो पेज नंबर 43 पे जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 है इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो पहला जो एग्जांपल है जो कि है कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है और ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो ये एक तरीके का एग्जांपल है, एंड सेकंड एग्जांपल नॉर्मल है जिसमें हम लोग को फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है। तो दोनों का यहाँ पे मैं एक एक एग्जांपल ही कराने वाला हूँ, एंड उसके बाद जो बचे हुए रिमेनिंग एग्जांपल्स है आप लोग को होमवर्क में देने आऊँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हमेशा से ऐसे ही करता हूं कि मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं आपको, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, एंड रिमेनिंग एग्जांपल्स में आप लोग को होमवर्क देता हूं, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस करना है दोस्तों, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। प्रैक्टिस करो सो दैट यू विल बी परफेक्ट। हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी परफेक्ट, ये याद रखना। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो जरूर से ये चीज आपको आ जाएगा। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जो कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक में भी आप देखोगे। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा है, इसको नहीं लिखूंगा डायरेक्टली, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्टली फर्स्ट दिखाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको यही बोला है, मैं रीड करके फिर से बता देता हूं। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सी। मतलब आपको क्या करना है, जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है और ए बी और सी का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला जो फर्स्ट एग्जांपल है वो मैं आपको कराऊंगा, जो कि बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने में कैसा करना है हम लोग को, जैसे कि क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, क्या बोला है कि इसको कंपेयर करना है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म, एक हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं यहाँ पे, SF, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आप ऐड कर सकते हो, दैट इज कंपेयरिंग विथ। आप यहाँ पे लिख दो कंपेयरिंग विथ, ठीक है ना, कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इससे हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए का जो वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा ए इज इक्वल टू, ए के जगह पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, ए के जगह पे आपका आ गया 1। तो ए का वैल्यू 1 मिल गया, फिर आप बी का वैल्यू भी निकाल सकते हो उससे। तो बी के जगह पे आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे -7 लिखा हुआ है। तो बी का वैल्यू कितना मिल गया आपको, -7। वैसे ही सी का वैल्यू आप देखोगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा, सी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 5। तो आपका सी का वैल्यू भी मिल गया 5। इसी तरह से इसको निकाला जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल तरीके का एग्जांपल होता है ये, एंड डायरेक्टली आपको बस कंपेयर करना है आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, एंड आपको क्या करना है दोस्तों, डायरेक्टली आंसर को निकाल देना है जो कि आपने निकाल लिया, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 5। उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आप लोग जो रिमेनिंग दो बचे हुए एग्जांपल्स है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट मैंने आपको करा दिया किस तरह से कंपेयर करके निकाला जाता है, तो सेकंड एंड थर्ड ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, बहुत सिंपल है। कोशिश करो अगर सबसे पहले क्वेश्चन में भी देखो आप, जैसे कि थर्ड एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तो थर्ड एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल दोनों ही यहाँ पे ट्विस्ट करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसको नॉर्मल सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में बनाओ, एंड सिंपल फॉर्म बनाने के बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, तो आपका ए और बी का जो दोनों का वैल्यू जो है वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बिंदास हमें आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट का रिप्लाई कभी कभी हम लोग लेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी कमेंट्स, हजारों 1,500 कभी कभी कमेंट आ जाते हैं एक दिन में, हर एक को पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, 5-5 एक एक हफ्ते के बाद हम लोग एक कमेंट देख पाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट तरीका यही है, मैंने आपको बताया था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप डायरेक्टली मुझे डीएम कीजिए, जो भी आपका डाउट है वहां पे मैं विद इन 1 डे आपको रिप्लाई जरूर से दे देता हूं, तो आपका जो डाउट है तुरंत क्लियर हो सकता है। ओके, तो ये तो हमने बात कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें हम लोग को डायरेक्टली कंपेयर करना था गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जनरल फॉर्म के साथ, एंड डायरेक्टली ए बी एंड सी का वैल्यू निकालना था। अब मैं सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट कि सॉल्व करना है
फैक्टराइज करना है हमारे हमारा जो फॉर्मूला मेथड है उसको यूज करके, तो इसको मैं यहाँ पे आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कर देते हैं सॉल्व, ठीक है, और इसको हम लोग रफ करते हैं, फिर आपका जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन है इसमें उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ओके, तो लेट्स रफ दिस फास्ट, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू जो कि हम लोग को बोला है सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ठीक है ना, फॉर्मूला मेथड या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला बोला रहेगा, तो अगर जहां पे भी फॉर्मूला आपको दिख गया, ठीक है ना, ये वर्ड दिख गया, अगर फॉर्मूला लिखा हुआ दिख गया, इसका मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको लिखा देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर टू जो की है सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला, ऐसा दिया हुआ है सॉल्व बाय यूजिंग, आपको क्या करना है फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करना है। तो सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है, इसका पहला एग्जांपल मैं कराने वाला हूं आप लोगों को जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्व करने के पहले मैं क्या करता हूं, हमारा इसको दो पार्टीशन कर देता हूं ताकि आप लोग को स्पेस कम ना पड़े। ओके, अब आप देखोगे तो आपको याद होगा सबसे पहला चीज मैं क्या बताया था आपको कि ये जो भी इक्वेशन दिया रहता है उसको कंपेयर करना होता है हमारे स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म से। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे कि कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्मूला। ठीक है, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला के लिए जीएफ लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, वो जीएफ नहीं है यहां पे, जनरल फॉर्मूला के लिए जीएफ है। ओके, तो जनरल फॉर्मूला से क्या कंपेयर करना है, जनरल फॉर्मूला क्या है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज माय जनरल फॉर्मूला। तो कंपेयर करने के बाद हमें ए बी और सी का वैल्यू मिलेगा, तो क्या मिलता है देखो, तो ए विल बी इक्वल टू, देखो यहां पे तो ए के जगह पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ए वन आ गया। बी के जगह पे क्या है देखो, बी के जगह पे यहाँ पे सिक्स दिया हुआ है, तो बी विल बी इक्वल टू सिक्स, एंड सी के जगह पे डायरेक्टली फाइव दिया हुआ है, तो सी आपको मिल गया फाइव। तो ए का वन मिल गया, बी का सिक्स मिल गया, सी का फाइव मिल गया, एबीसी मिल गया। अब एबीसी निकालने के बाद आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है हमारा छोटा सा, उसको यूज करते हैं। तो क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, इसका वैल्यू हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू जो है दोस्तों निकाल लो यहाँ पे, जो कि आपका दिख रहा होगा कि बी जो है सिक्स है, तो यहाँ पे सिक्स का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय एसी, ए क्या है वन एंड सी क्या है हमारा फाइव। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका वैल्यू मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का, तो आपका बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू आ रहा है 36, सिक्स का स्क्वायर 36 आ गया, माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय वन इज फोर एंड फोर फाइव हो गया 20, तो 36 माइनस 20 इज नथिंग बट 16, मतलब हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 16। ये इसको हम लोग बॉक्स बना के रख लेते हैं क्योंकि ये हमें काम आने वाला है। ओके, तो ये चीज तो हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 16। अब हम लोग क्या करेंगे सीधा कि जो मेन फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था मेन फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो मेन फॉर्मूला क्या है आप देखोगे अगर यहां पे ध्यान से, तो मेन फॉर्मूला क्या था आपको याद होगा, जो भी वेरिएबल दिया रहता है, आपको वेरिएबल क्या दिया है इसमें x, तो हमारा फॉर्मूला जो बनेगा वो x के हिसाब से बनेगा। तो x विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाय 2a। दिस इज द फॉर्मूला जो मैं बात कर रहा था आपको, इसके पहले जो आपका लेक्चर नंबर 8 था उसमें भी मैंने आपको पूरा प्रॉपरली एंड क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a, यही होता है हमारा फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला, जो हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे सॉल्व बाय यूजिंग फॉर्मूला, यही वो मेन फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसका वैल्यू जो दिया हुआ है हमें b का a का c का जो भी है वो वैल्यू पुट ऑन करेंगे एंड x का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या कर लेते हैं सीधा सीधा, सबसे पहले हम लोग वैल्यू डालते हैं, तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी, बी किधर है देखोगे तो बी का वैल्यू सिक्स है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस सिक्स हो गया। ठीक है, तो माइनस बी का मतलब हो गया माइनस सिक्स, तो ये माइनस सिक्स आ गया, प्लस माइनस बीच में लिख दिया अगेन अंडर रूट में क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, लेकिन दोस्तों बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाला हुआ है और इसीलिए जानबूझ के निकाला कि वहां पे हम लोग को नॉर्मली बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे हम लोग अलग से निकालेंगे। तो डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी का वैल्यू जो हमने 16 निकाला हुआ है वो डायरेक्टली इसमें हम लोग पुट ऑन कर सकते हैं, डाल दिया 16 और नीचे क्या है अपॉन 2a, तो 2a, a क्या है मेरे लिए 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, यहां तक आपको बहुत आसानी से समझ गया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं यहाँ पे, अगेन अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, आप देखोगे यहाँ पे ये माइनस सिक्स प्लस माइनस, इसको कुछ नहीं कर सकता सेम रहेगा, तो माइनस सिक्स प्लस माइनस सेम है, अंडर रूट ऑफ 16, जो 16 का रूट है इसको मैं निकाल सकता हूं दोस्तों, वी नो दैट अंडर रूट ऑफ 16 मतलब 16 का रूट जो होता है वो 4 आता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, तो माइनस सिक्स प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों 2, 2 वन्स आ 2 हो गया, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे आएगा आप देखोगे, तो x विल बी इक्वल टू माइनस सिक्स, ये प्लस माइनस है, तो एक बार मैं प्लस कर लेता हूं 4 के साथ, एक बार मैं माइनस कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस फोर अपॉन टू हो जाएगा एंड दूसरी बार क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर अपॉन टू हो जाएगा। ये दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, तो x का वैल्यू एक बार आएगा, माइनस सिक्स प्लस फोर कितना होता है दोस्तों माइनस टू होता है, तो ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन टू एक बार हो गया एंड दूसरा आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर कितना हो जाएगा माइनस टेन अपॉन टू हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x विल बी इक्वल टू माइनस टू अपॉन टू इज नथिंग बट माइनस वन एंड दूसरा जो है x इज इक्वल टू माइनस टेन अपॉन टू इज नथिंग बट माइनस फाइव। तो हमारा यहाँ पे
x का दो वैल्यू यहां पे आ गया, जैसे कि आप देख सकते हो एक वैल्यू जो मिला आपको x का वो मिला -1 और दूसरा जो वैल्यू मिला x का वो कितना मिला दोस्तों -5 मिला। एंड जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने किस तरह से ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ था x² + 6x + 5 इसको हम लोग कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर पाए, करना यही होता है। सबसे पहले आपको कंपेयर करना पड़ता है ax² + bx + c जो कि आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है, जीएफ है आपका, एबीसी निकल जाएगा, उसको हम लोग b² - 4ac निकाल लेंगे अलग से। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट डालने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला है हमारा, मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है। मेन फॉर्मूला में हमने वैल्यूज जो दिए हमारे पास अवेलेबल थे वो डाल दिया, इसको सॉल्व किया तो हमको जो है x का दो अलग अलग वैल्यू मिल गया, एक मिला -1 एक मिला -5। एंड यही तरीके से आपको सॉल्व करना है दोस्तों। कितना इजी है आप ही बताओ दोस्तों कमेंट करके कि कितना आपको इजी लग रहा है ये सॉल्व करना। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड जैसा कि मैंने बोला कि जो रिमेनिंग एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 2 हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एग्जांपल देख लिया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टोटल 4-5 एग्जांपल मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है दोस्तों। यहां पे तो मुझे आता है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से करते हैं, बाकी जितने भी एग्जांपल है सब सिमिलर है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है बस आपको और आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि जरूर से आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। एंड ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से सॉल्व करके जो कमेंट सेक्शन है हमारा उसमें कमेंट करके बताओगे कि यस सर हमने जो भी आप होमवर्क देते हो हम करते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हमारा जो होमवर्क है डेली का जो हम देते हैं आप लोग के लिए वो करते हैं कि नहीं। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग जो होमवर्क है वो करते हैं कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूं। जो आगे के एग्जांपल्स हैं यानी कि आगे के जो टॉपिक है जैसे कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब हम लोग देखेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जो आपके लिए लेक्चर नंबर 10 लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीक में जो हमारा मैथ्स का लेक्चर होगा उसमें हम लोग जरूर से कर लेंगे दोस्तों। तो आज यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।